मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट 2 और 3 फेब को यहाँ हेयर एंड शेप क्लिनिक में कराया था। पहले तो मेरा जैसा आप देख सकते हो कि अभी आज मैंने कितने दिन के बाद आज कोम किया है, मेरे ख्याल से 3-4 साल के बाद आज मैंने कोम किया है। मेरे सारे जो फ्रंट के जो हेयर थे वो सारे मेरे गिर गए थे, बहुत ही थिन हो गए थे, बाल सिर्फ पीछे साइड के बचे हुए थे और बालों के साथ मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ही नीचे गिर गया था। हमेशा मैं कैप पहन के इधर उधर घूमते रहता था और ऑफिस भी जाता था, तो बहुत ही मुझे एक जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस सब कहीं ना कहीं से मुझे टोक देते थे कि क्या कर रहे हो तुम, अपने बाल का कुछ कर नहीं रहे हो, बहुत ही कम एज है और सब तुम्हारे बाल इधर उधर, तुमने केयर नहीं किया, सब चले गए। फिर मैंने मेडिसिन मैंने कुछ कुछ खाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने हेयर एंड शेप क्लिनिक के बारे में सुना और मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बहुत ही सही एक्सप्लेन किया कैसे क्या होगा। पहले मैं थोड़ा हेजिटेंट था और थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट है, क्या होगा, नहीं होगा, सर्जरी है, ये होगा। फिर जैसे डॉक्टर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मुझे समझाया कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के 6 मंथ हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। डॉक्टर प्रनिल मोरे को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे कंसल्ट में क्या करना है नहीं करना है, सारे प्रिकॉशंस मैं ले रहा हूँ एंड आई एम हैप्पी विथ माई रिज़ल्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रनिल मोरे फॉर गिविंग मी सच एन एक्सेप्शनल रिज़ल्ट एंड ही हैज़ चेंज माई लाइफ एंड माई कॉन्फिडेंस लेवल हैज़ इंक्रीज सो मच। थैंक यू।